हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लजीज पकवान। आज हम बनाने जा रहे हैं फलाफल पिता पॉकेट विद हमस। यह एक वेज रेसिपी है जो कैफे रेस्टोरेंट में बहुत पॉपुलर है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से इसे घर पर ही बनाएंगे। तो फ्रेंड, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे और 1/2 कप आटा लेंगे और दोनों को हम चाल लेंगे। अब उसमें हम 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर और 1 टीस्पून नमक मिला लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और उसमें मिक्स कर लेंगे। आटा सानने के लिए हम हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच ईस्ट पाउडर मिलाएंगे और सॉफ्ट आटा हम तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा तैयार करेंगे। इस तरह से हमने सॉफ्ट और ढीला आटा तैयार कर लिया है। काउंटर पे हम सूखा आटा लगाकर आटे को अच्छे से 5 से 6 मिनट तक पुल एंड स्ट्रेच मेथड से नीट करेंगे। ऐसा करने से हमारा आटा बहुत ही स्मूथ बनेगा और जब हम पीता ब्रेड बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। हमारा आटा तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एकदम सॉफ्ट आटा तैयार है। अब एक बाउल में हम ऑयल लगाएंगे और उसको पूरे में मिला लेंगे। आटे को भी हम चारों तरफ से तेल में लपेट लेंगे ताकि आटा हमारा सॉफ्ट रहे। कपड़े से ढककर इसको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तक हम फलाफल की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप हमने भीगे काबली चने लिए हैं जो हमने ओवरनाइट फुला दिया था पानी में। थोड़ा सा धनिया की पत्ती ली है, 1 प्याज चॉप की हुई लिया है, 4-5 लहसुन की कलियां ली हैं, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और इसका एक बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। हमारा फलाफल का पेस्ट तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून हम ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम ढककर फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम हमस बनाएंगे। हमस बनाने के लिए हमने तिल को ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसे हम पाउडर की तरह थोड़ा पीस लेंगे। हमारा पाउडर तैयार है। अब इसमें हम लहसुन की कुछ कलियां डालेंगे और 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसे फिर पीस लेंगे। एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसमें हम 1/2 कप उबले चने डालेंगे जो हमने नमक डाल के उबाल लिया था, 1 टीस्पून नींबू का रस, थोड़ा सा नमक और 1/2 टीस्पून जीरा डालकर हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। बहुत सूखा होने पर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और इसे एक बार और चला लेंगे। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसे एक बार और मिक्सी चला लेंगे। हमारा ये हमस का पेस्ट तैयार है। इसे हम एक छोटे बाउल में निकाल लेंगे। अब हम फलाफल बनाएंगे। 1 घंटे हो चुके हैं, हमने फलाफल पेस्ट को फ्रिज से निकाल लिया है। पिता ब्रेड में स्टफिंग के लिए हम फ्लैट टिक्की शेप में फलाफल बनाएंगे। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, स्टफिंग में आसानी होती है। और हमस के साथ खाने के लिए हम राउंड शेप में बनाएंगे। अब हम फलाफल को गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। तेल गरम होना चाहिए, लेकिन जब हम फ्राई करेंगे तो अपने फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे ताकि फलाफल अंदर से भी पक जाए। एक बार में हम 4 से 5 ही फलाफल फ्राई करेंगे, वरना फलाफल बीच से फटने लगेंगे। अब इसे हम एक प्लेट में टिश्यू पे निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे फलाफल को फ्राई कर लेंगे। फलाफल हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल कर अलग रख देंगे और हम पीता ब्रेड बनाएंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, हमारा आटा अच्छे से स्पंजी हो गया है। तो काउंटर पे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और आटे को थोड़ा सा और गूंध लेंगे। इसे रोल कर लेंगे
और बराबर की लोई काट लेंगे। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा के हम लोई बना लेंगे। हमारी सारी लोई तैयार है। कपड़े से हम ढक देंगे ताकि लोई नरम रहे। और अब हम पीता बेलेंगे। पीता को हम ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, ना ही ज़्यादा पतला बेलेंगे। पतला होने से भी पॉकेट नहीं बनता है और मोटा अच्छा नहीं लगेगा। हमने पीता बेल लिया है, अब इसे हम गर्म तवे पर सेक लेंगे। सेकते वक्त हम फ्लेम को लो या मीडियम में ही रखेंगे। बबल्स आने पर इसे पलट लेंगे। ज़्यादा इसे हम नहीं दाबेंगे, ये खुद ही फूल जाएगा। देखिए हमारा पीता कितना अच्छा फूल गया है। अब बस इसे हम निकाल लेंगे। पीता ब्रेड तैयार है, तो चलिए हम फलाफल के लिए पॉकेट बनाते हैं। बीच से इसे कट कर लेंगे और देखिए हम ऐसा पॉकेट बनाएंगे। इसको बहुत ही हल्के हाथों से इसके अंदर हमस स्प्रेड करेंगे। ये फटे नहीं क्योंकि ये बहुत ही पतला है। फिर हम वेजिटेबल स्टफ करेंगे। अब हम बहुत ध्यान से इसमें फलाफल भरेंगे। और बस हमारे फलाफल पिता पॉकेट तैयार हैं हमस के साथ। इसके ऊपर ड्रेसिंग के लिए हमने टाहिनी पेस्ट यूज़ किया है। आप अपने पसंद के कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।